रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। इसमें हम लोग कैसे इमेज बनता है उसका रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। टुडे आई टीच यू इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। बिफोर ईच दिस चैप्टर्स इमेज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका रेज ग्राइंड क्या है, रूल क्या है बनने का। इसमें केवल फोर रूल होते हैं, वो फोर रूल आप लर्न कर लेंगे पूरा इमेज आपको बना सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट रूल ये है, देखिए ऐसा हम ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं, राइट। फर्स्ट रूल है इन कंकेव मिरर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। इफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्ट्स द मिरर इट पासेस थ्रू फोकस, राइट। इन कॉनकेव मिरर ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। इट मीन्स यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। इन कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, राइट। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ट द प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन के पश्चात यह फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। अपीयर्स आर डाइवर्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज आल्सो कॉल्ड फोकस, राइट। फर्स्ट रूल ये है, ये आपको लर्न हो जाएगा इसी के हेल्प से हम लोग फिगर बनाएंगे अभी बनाएंगे तो। सेकेंड इसका यह है इन कॉनकेव मिरर इफ एनी रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, इफ एनी रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इस फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द फोकस। इट मीन्स यदि कोई रेज फोकस से होकर पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, राइट। थर्ड है इफ एनी रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ एनी रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स गो बैक सेम पॉइंट। जिस रेस से आती है, जिस पथ से आती है, अगर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी रास्ते से पुनः बैक हो जाती है, राइट। फोर्थ इसका है इफ एनी रेस फॉलिंग ऑन पी, पी मीन्स पोल, इफ एनी रेस फॉलिंग ऑन पोल देन इन ओवे द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स जिस एंगल से इसमें फॉल होती है, गिरती है, उसी रेस से क्या होती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही फोर रूल आप लर्न कर लेंगे, इसमें कोई दो रूल आपको प्रयोग करके फिगर बना सकते हैं, राइट। इसमें कुल देयर आर फोर पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन आप कर रहे मिरर में फोर पोजीशन होंगे, वही आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पोजिशन है एट इंफिनिटी, इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इन इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर नहीं जो हमें दिखाई ना दे, मन्स कुछ दूर हो। इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इंफिनिटी
this is the pole, this is the focus, this is the center of curvatures, right? एक इंफिनिटी में कोई यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट है, देन इन दिस पोजिशन राइट लाइट रेज कम्स एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रेज पासिंग थ्रू इस फोकस राइट एंड इन दिस पोजिशन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज पासिंग थ्रू इस फोकस बोथ बोथ रेज मीट ईच अदर एट द पॉइंट हियर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस होकर जाएगी दूसरी लाइट में क्या कहा जाएगी इसके पैरेलल में चलेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस बोथ मीट ईच अदर एट द पॉइंट हियर इसमें दोनों कहां मिल रही है फोकस में मिल रही है पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा है एट इंफिनिटी है पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस देखिए फोकस पे बना हुआ है राइट नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब जो इमेज फॉर्म होगा कैसा होगा द इमेज फॉर्म रियल रियल बनेंगे रियल मीन्स इसको हम क्या करेंगे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं इसको ठीक है रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डायमेंशन बनेंगे मतलब एक चमकदार पॉइंट के रूप में मिलेंगे चमकते हुए बिंदु के रूप में मिलेंगे ठीक है इसका आकार बहुत छोटा होगा साकार का मालूम नहीं चले बस एक पॉइंट के रूप में ये रिसीव होंगे ठीक है रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डायमेंशन ठीक सेकेंड एफ एंड सी
इसको ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हो, एक तो ऐसे पैरल ले लेंगे एनी राइट एनी रे पैरल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू होल एंड सेकंड हम ऐसे भी ले सकते हैं ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक द सेम पाथ ये भी यहां बन सकता है राइट अगर ये ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे भी बना सकते हो ऐसे ऐसे चौथा कोई भी आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट फिगर है तो आप ये नहीं घबराएंगे कि ये सही है गलत है इसलिए बता दे रहे कि हर किताब में आपको अलग अलग फिगर मिलेंगे ठीक है जो आप इच्छा करें बना सकते हैं इन दिस केस इफ इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी मीन्स इंफिनिटी और सी के बीच में देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में क्या है ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ है सी और यर के बीच में है तो क्वेश्चन आप इमेज में क्या लिखेंगे बिटवीन सी एंड यर बिटवीन सी एंड यर साइज क्या है इसका इमेज का स्मॉल साइज है राइट और इमेज कैसा है इन्वर्टेड है ठीक ना यहाँ क्या लिखेंगे रियल कोई भी अगर इन्वर्टेड साइज मिले और जिधर हम इसके सेम डायरेक्शन में इधर तो क्या होता है वो रियल होता है रियल में इसको हम क्या करेंगे कहीं भी रिसीव कर सकते हैं देख सकते हैं उसको हार्ड कॉपी में रख सकते हैं ठीक है तो रियल एंड इन्वर्टेड राइट अब थर्ड हम कहां प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को ए सी पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे थर्ड केस दिस इज ए पोल दिस इज ए फोकस दिस इज ए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ए सी मीन्स कहां पर रखे कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहां पर रखे वन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस राइट सेकेंड ए राइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बोथ मीट ईच अदर एट द पॉइंट कंडीशन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम साइज इस कंडीशन में क्या होती है इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की बराबर होती है इमेज जो होते हैं इन्वर्टेड होते हैं रियर्स होते हैं इसको भी हम रिसीव कर सकते हैं कहीं भी ठीक है हार्ड कॉपी ले सकते हैं देख सकते हैं राइट इसमें क्या लिखेंगे एट सी और पोजिशन ऑफ इमेज क्या है ए बी एक्स डी है नेचर एंड साइड ऑफ इमेज क्या लिखेंगे रियल्स गाली की है इन्वर्टेड इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा ये रिवर्स रियल होगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम कहीं भी अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा अथवा रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा राइट और जब भी ये रियल इन्वर्टेड होता है तो उसको हम क्या रिसीव कर सकते हैं देख सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं राइट फोर्थ कंडीशन है
सी और या फिर बीच में कोई यहां इमेज रखते हैं तो बिटवीन सी एंड इफ एनी इमेज प्लेस बिटवीन सी एंड या वन रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दी फोकस राइट सेकेंड रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल फोकस बोथ का राइट वन रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू दी फोकस राइट सेकेंड रेज पासिंग थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स प्रिंसिपल इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस बोथ लाइन मीट ईच अदर एट दी पॉइंट ए डैश इन दिस केस इमेज इमेज कैसे मिलेंगे लाल मिलेंगे लाल मिलेंगे एंड इनवर्ट इनवर्ट इन्वर्टेड मिलेंगे और रियल्स मिलेंगे राइट सी एन ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट हम सी और एफ के बीच में रखें इसके जो इमेज मिलेंगे वो सी और इंफिनिट के बीच में मिलेंगे तो क्या होंगे बड़े होंगे रियल्स होंगे और इन्वर्टेड होंगे इसको क्या करेंगे हम किसी भी पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं मतलब इसका हार्ड कॉपी हम ले सकते हैं तो पोजिशन ऑफ दी इमेज बिटवीन सी एंड एफ नेचर एंड साइज ऑफ दी इमेज रियल इन्वर्टेड साइड राइट अब हम कहां रखें यह पे रखें इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस एट दी पॉइंट राइट यह रखेंगे तो क्या होगा वन राइट वन रेंज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस राइट अनदर रेज गो टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम फॉलो द रिफ्लेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज कहां करेंगे कहीं नहीं मिलेगी राइट इसके वजह से इमेज कहां बनेगा इंफिनिटी को बनेगा बहुत बड़ा होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा ठीक है ठीक है अगला पोजिशन देखें क्या होगा इसका पी एफ सी इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एफ एंड पी इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एफ एंड पी फर्स्ट रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स गो थ्रू इट पासेज थ्रू फोकस एक आधी रेट से हम आगे बढ़ाएंगे सेकेंड कहां जाएगी सेंटर ऑफ क्यूरेचर सेल से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स गो बैक सेल पर इसको भी आगे बढ़ाएंगे दोनों क्या होगा मिरर से पीछे बनेंगे इसमें मतलब क्या है इन लास्ट साइड है
इरेक्ट है यार, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बनेंगे, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मीन्स पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन यफ एंड पी, राइट, पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर एंड नेचर एंड साइड ऑफ द इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज साइज, राइट। बाकी इसका हम पूरा नोट्स आपको भेज देंगे आज, आप लोग लाइक कर लेंगे। थैंक यू।